बेजोस, तुम एक वेबसाइट बनाने के लिए अपनी बॉल स्ट्रीट की वीपी की नौकरी छोड़ रहे हो? प्लान तो यही है, मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में एक बार कोशिश करके देखूं। क्या होगा अगर ये इंटरनेट बस एक धोखा निकला, एक बुलबुला जो कभी भी फूट जाए? तो उससे भी कुछ सबक ही मिलेगा, कम से कम मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा। हर एक चीज का एक स्टोर, लेकिन पहले मुझे एक टीम बनानी होगी। प्लान तो यही है स्कल कैप, पहले हम किताबें बेचेंगे और फिर सब कुछ। इसे क्या नाम देंगे, कंपनी के नाम के बारे में सोचा है? फिलहाल तो नहीं है। अच्छा, कडाबरा कैसा रहेगा? आबरा कडाबरा नहीं चलेगा, कुछ अलग सोचो। अच्छा तो ये नाम बताओ, रिलेंटलेस। ये तो कोई नहीं समझेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। अमेज़न? ये वाला थोड़ा अलग है, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है। तो मेरा साथ दोगे या फिर मना करके अपनी पूरी जिंदगी पछताओगे? आइडिया तो काफी अच्छा है, इंटरनेट काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे? खैर, मार्केट में कंपटीशन तो है, इसलिए सबसे पहले हमें उसे हराना होगा और फिर बाकी के बुक स्टोर्स को। इस सब के लिए फंड कहाँ से आएगा? खैर, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और वॉल स्ट्रीट से भी मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। इससे काम बन जाएगा, लेकिन और जिसे भी हम नौकरी पर रखेंगे उन्हें इन्वेस्ट करना होगा, हम उन्हें स्टॉक्स देंगे। और फिर? और साइट का चेकआउट प्रोसेस एकदम मक्खन की तरह स्मूथ होना चाहिए और हम शुरू से ही अपने कस्टमर डेटा को ट्रैक करेंगे। हमें सारे स्टॉक की जरूरत नहीं है, बस किताबों की कुछ कॉपीज ही काफी है। इस तरह हमें प्रोडक्ट खरीदने से पहले ही पेमेंट मिल जाएगी। क्या? ये तैयार है, खूबसूरत है, शानदार। ये तो ओरिजिनल भी नहीं है। वैसे भी इंटरनेट का कुछ होने नहीं वाला। क्या कह रहे हो वॉलमार्ट, ऐसे मत बोलो। तुम्हें लगता है कि तुम पूरी पब्लिशिंग इंडस्ट्री को हरा पाओगे? बर्नीज़ और नोबल सही कह रहे हैं, तुम जो करने जा रहे हो उसका किसी को फायदा नहीं होगा। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, आने वाले समय में इंटरनेट के अलावा कुछ नहीं होगा। तुम भी देख लेना और हम भी देख लेंगे। हे अमेज़न, तुम चिंता मत करो, अब तक की हमारी सेल्स कैसी है? $12,000 के ऑर्डर आ चुका है। इन सबको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा, लेकिन हम सिर्फ $846 के ऑर्डर्स को शिप कर पाए हैं। क्या हम अभी से पीछे चल रहे हैं? हम ज्यादा प्रोडक्ट्स को जमा नहीं कर पा रहे, हमारी शिपिंग भी इतनी तेज नहीं है। एक्सक्यूज मी दोस्तों, ये कौन बोला? याहू, इंटरनेट की अब तक की सबसे कामयाब साइट, डिफॉल्ट होम पेज लगभग सभी के लिए, वाह। मैंने सुना कि वो बाकी के जोकर क्या कह रहे थे, तुम उनकी मत सुनो, आगे बोलो। मैं अपनी साइट पर तुम्हें दिखाऊंगा ताकि दुनिया को पता चल जाए कि तुम क्या क्रांति लाने वाले हो। यह तो सोने पर सुहागा की तरह होगा। सही है, तो बेशक अमेज़न, हम इसके लिए तैयार नहीं है, हमें एक्सपैंड करना होगा। तुमने सही कहा, हम इस सबके लिए तैयार नहीं थे, हमें एक्सपैंड करना होगा। लेकिन एक्सपैंड करने के लिए पैसा नहीं है। इन्वेस्टर्स मैं ढूंढ लूंगा, तुम शिपिंग पर ध्यान दो। पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी कस्टमर सर्विस सबसे अलग और खास होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होता हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं लेंगे। तुमने इन्वेस्टर्स को क्या कहा? साल 2000 तक हम 74 मिलियन की सेल कर देंगे, थोड़ा प्रॉफिट भी होगा और तब तक हर एक इंसान इंटरनेट यूज कर रहा होगा। ज्यादा नहीं कह दिया? खैर, मैंने ये नहीं बताया कि 70% चांस फेल होने का भी है। सच में उन्होंने उसके बाद क्या कहा? इन्वेंटरी खरीदने से पहले ही ऑर्डर का पैसा आने का आइडिया उन्हें शानदार लगा। मतलब के? हमारे पास $1 मिलियन है जिनसे हम अगले कुछ साल सर्वाइव कर सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम टेंशन मत लो। अरे तुमने अब हाल फिलहाल में ये क्या खरीदा है? अरे कुछ नहीं, मैंने कुछ वेबसाइट्स खरीद ली। IMDb, बुक पेजेस, exchange.com, drugstore.com। फ्यूचर सिर्फ इंटरनेट ही है, देख लेना। बड़े सारे वेबसाइट्स हैं। क्या ये सब काम आएंगे? ये इंटरनेट कहीं नहीं जाने वाला, ये वेबसाइट्स ही हमारा फ्यूचर है। शायद वो सही सोच रहा था। अब हमसे बच के रहना अमेज़न, हम पीछे नहीं रहने वाले। वो अच्छा ऐसा क्या? और वो तुम्हारा दोस्त बुक पेजेस कहाँ गया? अब वो हमारा ही हिस्सा है, हमेशा के लिए। अच्छा तो तुम भी भेड़ चाल में शामिल हो गए, पर तुम्हें अभी काफी मेहनत करनी होगी। सच में? तो ये बताओ प्यारे अमेज़न, आने वाली छुट्टियों के लिए तुम्हारी तैयारी कैसी है? क्रिसमस आ रहा है। ये क्या बातें कर रहे हैं? वो बस डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? अरे यार, सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्या? स्टॉक में खिलौने नहीं है और बाकी बेकार की चीजें भरी पड़ी हैं। ये वॉलमार्ट बिल्कुल सही था,
हमें इस प्रॉब्लम से निपटना होगा। इस क्रिसमस पे हम सब डबल काम करेंगे। खिलौने अवेलेबल नहीं है, क्रिसमस के दौरान इन्होंने सही नहीं किया। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेज़न अभी भी काफी कर्ज में है और इनका स्टॉक एक ही दिन में 20% गिर गया है। ये सच हो गया तो रिलैक्स, हमने 98 के क्रिसमस का भी सामना किया ना, हमने अपनी वेयरहाउस कैपेसिटी बढ़ा दी। तुमने पिछले साल इन्वेस्टर से $1 बिलियन उधार में लिए। सही कहा, डोंट वरी, हम हर मुसीबत का सामना कर। अरे ये क्या था? आग? अरे नहीं, ये वो .com बबल आ गया। Amazon, ये क्या है? मार्केट में कुछ हलचल होने वाली है, सैकड़ों वेबसाइट्स मदद की तलाश में है लेकिन कोई मदद नहीं कर पाएगा। मतलब कुछ बुरा होने वाला है, मतलब कि इंटरनेट। Amazon, हमारी मदद करो। I'm sorry, drugstore.com, ये दुनिया फिलहाल तुम्हारे किसी काम की नहीं। इसमें नुकसान होगा करीब $1 बिलियन का। ई कॉमर्स कंपनीज डूबने वाली है लेकिन हम बच जाएंगे। कैसे? 98 के क्रिसमस की हमारी कमजोरी अब हमारी ताकत बनेगी। तुमने सही कहा, अब हमने खुद का इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया है। अपनी इन्वेंटरी की पेमेंट करने से पहले हमें कस्टमर से पैसे मिल जाएंगे। इससे हम अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा सकते हैं। हम वही कर रहे हैं, ढेर सारी मेहनत, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स और कस्टमर पर फोकस। तुमने बिल्कुल सही कहा दोस्त, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत जल्द हम अपना पहला प्रॉफिट कमाने वाले हैं। हम बनाएंगे Amazon Prime, ऐसी मेंबरशिप सर्विस जिसमें 2 दिन में डिलीवरी होगी। उसके बाद हम वीडियो स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर खुद का कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे और राज करेंगे। उसके बाद हम ड्रोन से डिलीवरी शुरू करेंगे। हम हर एक चीज हर एक जगह पर डिलीवरी करेंगे आसानी से। अच्छा हुआ मैंने उस वक्त हार नहीं मानी, नहीं तो मुझे जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहता। अब पता नहीं Amazon के फ्यूचर में और क्या क्या लिखा है।